नमस्कार दोस्तों, सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की शानदार जीत के बाद बदल गया आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट टेबल। जीत के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को पॉइंट टेबल में हुआ बड़ा फायदा, तो वही मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स को पॉइंट टेबल में लगा है बड़ा झटका। तो क्या है पूरा पॉइंट टेबल बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप इस आईपीएल किस टीम को सपोर्ट करते हैं अपनी राय कॉमेंट में जरूर दे। दोस्तों आईपीएल 2023 में 65वां मुकाबला आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान फैफ प्लेसिन टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी के लिए सनराइजर हैदराबाद को आमंत्रित किया। हैदराबाद की शुरुआत शानदार रही और हैदराबाद की पूरी टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 186 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रनों की पारी हेनरी क्लासन के बल्ले से निकले। क्लासन ने आज 51 गेंदों पर 104 रन की शतकीय पारी खेली, जिसमें 8 चौका और 6 छक्का शामिल था। आरसीबी के लिए एम ब्रेसवेल ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए। इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत शानदार रही और विराट कोहली की शानदार सेंचुरी की बदौलत आरसीबी ने 19.2 ओवर में 187 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत लिया। विराट कोहली के अलावा फैफ डुप्लेसी ने भी 47 गेंदों पर 71 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 7 चौका और 2 छक्का शामिल था। इसी जीत के साथ आरसीबी को पॉइंट टेबल में मिली है बड़ी खुशखबरी। वही मुंबई इंडियंस को अब प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा और भी बढ़ गया। तो चलिए जानते हैं आरसीबी के जीत के बाद कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है और कौन सी टीम लगभग प्लेऑफ से बाहर हो गई है। चलिए देखते हैं। 10वें नंबर की टीम सनराइजर हैदराबाद की टीम है। इन्होंने 13 मुकाबले खेले हैं, 4 मैच जीते हैं, 9 हारे हैं और 8 पॉइंट है। हैदराबाद का नेट रन रेट -0.558 का है। हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। 9वें नंबर की टीम दिल्ली कैपिटल। दिल्ली ने 13 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 8 हारे हैं और 10 पॉइंट है। दिल्ली का नेट रन रेट -0.572 का है। दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। 8वें नंबर टीम पंजाब किंग्स है। पंजाब ने 13 मुकाबले खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 7 हारे हैं और 12 पॉइंट है। पंजाब किंग्स भी लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। 7वें नंबर टीम केकेआर है। केकेआर ने 13 मुकाबले खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 7 हारे हैं और 12 पॉइंट है। केकेआर का नेट रन रेट -0.256 का है। केकेआर की टीम भी प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर है। 6ठे नंबर टीम राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान 13 मुकाबले खेली है, 6 मैच जीती है, 7 हारी है और 12 पॉइंट है। राजस्थान का नेट रन रेट काफी अच्छा है, +0.140। राजस्थान रॉयल्स को आज आरसीबी जीत के बाद बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आरसीबी अगर अपने 2 मुकाबले लगातार हारती या मुंबई इंडियंस अपना अगला मुकाबला हारती तो राजस्थान रॉयल्स का भी प्लेऑफ में जाने का रास्ता दिख रहा था। लेकिन इस जीत से राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। 5वें नंबर टीम मुंबई इंडियंस है। मुंबई 13 मुकाबले खेली है, 7 मैच जीती है, 6 हारी है और 14 पॉइंट है। मुंबई का नेट रन रेट -0.128 का है। मुंबई इंडियंस के अभी 1 मुकाबले बचे हुए। आज आरसीबी के जीत के बाद मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट काफी खराब है, -0.128 का। मुंबई इंडियंस मना रही थी कि आरसीबी टीम आज बुरी तरह सनराइजर हैदराबाद से हारे, जिससे आरसीबी का भी नेट रन रेट थोड़ा नीचे आता, लेकिन आरसीबी ने आज शानदार जीत दर्ज कर पॉइंट टेबल में 4थे नंबर पर आ गई है। आरसीबी की बात करें तो इन्होंने 13 मुकाबले खेले हैं, 7 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं और 14 पॉइंट। आरसीबी का नेट रन रेट +0.180 का है। आरसीबी के अभी 1 मुकाबले बचे हुए। अगर आरसीबी अपना अगला मुकाबला जीतती है तो प्लेऑफ में पूरी तरह पक्की हो जाएगी। 3rd नंबर टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ 13 मुकाबले खेली है, 7 मैच जीती है, 5 हारी है और 15 पॉइंट है। लखनऊ का नेट रन रेट +0.304 का है। लखनऊ के अभी 1 मुकाबले बचे हुए। लखनऊ अगर वह मुकाबला जीतती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। अगर लखनऊ कहीं वह मुकाबला हार जाती है तो प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा लखनऊ पर भी बना हुआ है। 2nd नंबर की टीम चेन्नई सुपर किंग है। चेन्नई 13 मुकाबले खेली है, 7 मैच जीती है, 5 हारी है और 15 पॉइंट है। चेन्नई सुपर किंग के अभी 1 मुकाबले बचे हुए हैं, जो कि दिल्ली कैपिटल से खेलना है। चेन्नई सुपर किंग को वह मुकाबला जीतना ही होगा अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है। अगर हारती है तो चेन्नई सुपर किंग पर भी प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। पहले नंबर टीम गुजरात टाइटंस। गुजरात 13 मुकाबले खेली है, 9 मैच जीती है, 4 हारी है और 18 पॉइंट है। गुजरात टाइटंस पहली टीम है जो आईपीएल 2023 में क्वालिफाई कर चुकी है। वैसे आपके अनुसार वो कौन सी 4 टीम है जो इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी अपनी राय कमेंट में जरूर दें।